खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। बाबा साहेब की 131वीं जयंती आज, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। इसके साथ ही बीजेपी मुख्यालय में भी बाबा साहेब को किया गया याद। आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन, पीएम मोदी करेंगे संग्रहालय का उद्घाटन। अमृत महोत्सव के उत्सव के दौरान होगा उद्घाटन। आज गुरुग्राम में बीजेपी के कार्यालय का होगा उद्घाटन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी बीजेपी। यूपी दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज शाम लखनऊ पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 15 अप्रैल को ट्रेन से अयोध्या जाएंगे। उपराष्ट्रपति 16 अप्रैल को काशी विश्वनाथ मंदिर के करेंगे दर्शन। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अमित शाह से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या को लेकर हुई चर्चा। विशेष सहायता राशि फिर से शुरू करने की उठाई मांग। योगी सरकार का 100 दिन का एजेंडा तय। छमाही और वार्षिक कामकाज की रूपरेखा तैयार। कृषि विभाग के अधिकारी पेश करेंगे कामकाज का रोडमैप। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बरेली दौरा। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर करेंगे माल्यार्पण। माल्यार्पण के बाद सर्किट हाउस पर विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। नारनौत के बांस गांव के लोगों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जताया आभार। गांव बांस को ग्राम पंचायत का दर्जा मिलने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल। 2018 में नगर पालिका में तब्दील हुआ था बांस। राजस्थान मास्टर प्लान 2025 में बदलाव को लेकर निजी बिल्डर ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। मामले की 20 अप्रैल को होगी सुनवाई। खरगोन हिंसा पर किए गए ट्वीट के बाद मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज। तो वहीं दिग्विजय ने कहा, मुझ पर कितने भी एफआईआर डालो मुझे कोई डर नहीं। बारह घंटे में दूसरी बार फूटा महंगाई बम। पीएनजी के बाद सीएनजी के भी दाम बढ़े। सीएनजी पर 2.5 रुपए प्रति किलो की दर से कीमतों में इजाफा। दिल्ली में अब सीएनजी की कीमत 71.61 रुपए प्रति किलो। पेट्रोल डीजल के बाद अब पीएनजी के दामों में फिर बढ़ोतरी। दिल्ली एनसीआर में पीएनजी के दाम में 4.25 रुपए की बढ़ोतरी। 15 दिनों के अंदर तीसरी बार कीमतों में इजाफा। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा अजान विवाद। विरोध में राज ठाकरे ने लहराई तलवार। राज ठाकरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग। लखनऊ में शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। किताबें जूते यूनिफॉर्म को लेकर स्कूल नहीं बना सकते हैं दबाव। निजी स्कूलों के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ने जारी किए निर्देश। हरिद्वार में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक। बैसाखी स्नान और सद्भावना सम्मेलन को लेकर प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान किया जारी। छह सैलानियों के लिए नई सुविधा। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर आज से चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। 30 जून तक अनरिजर्व्ड मेल और एक्सप्रेस स्पेशल श्रेणी में संचालित की जाएगी ट्रेन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती आज, महिला कॉलेज में धूमधाम से मनाई गई जयंती। छात्राओं ने भाषण और कविताएं की पेश। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगर दर्शन पोर्टल किया लॉन्च। वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया लॉन्च। शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों का डाटा होगा उपलब्ध।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा राज्य के सभी अंडरपास के ऊपर बनाया जाए शेड, लापरवाही करने वालों पर हो लगेगा जुर्माना। जेजेपी को मिल रहा कर्मचारी श्रमिक वर्ग का साथ, जननायक कर्मचारी मजदूर संघ से जुड़ रहे कर्मचारी संघ, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया स्वागत, जेजेपी का कर्मचारी संगठन है जेकेएमएस। असम विधानसभा में 8वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने की शिरकत, कहा कार्यपालिका को अधिक जवाबदेही बनना होगा। दिल्ली जेएनयू में रामनवमी के दिन हुई घटना को लेकर सिरसा में रोष, एबीवीपी छात्र संगठन ने सिरसा की सीडीएलयू के गेट पर किया प्रदर्शन, जेएनयू में हवन यज्ञ में विघ्न डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। किसान की फसलों पर पड़ा बदलते मौसम का असर, गेहूं की फसल की पैदावार हुई कम, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने सरकार से की मांग, कहा प्रति क्विंटल गेहूं पर उन्हें 500 रुपए बोनस दिया जाए। घरौंडा में नारकोटिक्स की टीम की बड़ी कार्रवाई, मुखबरी की सूचना के बाद पकड़ी प्राइवेट बस, बस से मिला चूरा पोस्ट, पुलिस ने दो बस चालकों को किया गिरफ्तार, बस को कब्जे में लेकर के आरोपियों पर केस दर्ज। एक्शन मोड में नारायणगढ़ पुलिस, दो ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किया गया जब्त, करीब 450 कट्टा अवैध डीएपी खाद की बरामद, पुलिस ने जांच के लिए उपमंडल कृषि विभाग के हवाले की खाद। फरीदाबाद में यातायात पुलिस ने चलाया अभियान, यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के काटे चालान, लोगों को यातायात नियमों के बारे में भी किया जागरूक। अम्बाला में टोल फ्री कराए जाने पर किसानों पर मामला दर्ज, टोल प्लाजा मालिक की शिकायत पर किया गया मुकदमा दर्ज। अम्बाला में जल्द तैयार होगा 5 मंजिला अस्पताल, अस्पताल के निर्माण को मिली मंजूरी, अस्पताल में मिलेगी सभी आधुनिक सुविधाएं, टीबी रोग के मरीजों को होगी सहूलियत। कैथल में 51 तीर्थों के महत्व को लेकर लॉन्च हुआ गाना, उपायुक्त प्रदीप दहिया ने लॉन्च किया गाना, कहा पौराणिक विरासत का संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी। सिरसा में सब्जियों के दाम 2 गुना से 5 गुना तक बढ़े, नींबू के भाव पहले के मुकाबले 5 गुना तक बढ़े, आलू प्याज टमाटर गोभी के रेट भी 2 गुना, सब्जी विक्रेताओं के काम काज पर भी महंगाई के कारण पड़ रहा असर। सीएम फ्लाइंग ने फतेहाबाद में की बड़ी कार्रवाई, नकली कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, फूड सेफ्टी विभाग ने लिए सैंपल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, बढ़ती महंगाई को लेकर जताया रोष, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारायणगढ़ में किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। यमुनानगर में एक्शन मोड में विजिलेंस टीम, रिश्वतखोर फूड इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार, 20,000 की रिश्वत मांगने का वीडियो आया सामने, वीडियो के आधार पर की विजिलेंस टीम ने कार्रवाई। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी जारी, बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ की छापेमारी, सीएम फ्लाइंग की टीम ने फैक्ट्री पर की छापेमारी, फैक्ट्री मालिक पर बिजली चोरी करने का आरोप। रतिया में राजकीय महाविद्यालय की छात्राओं का प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, 3 सेमेस्टर की डीएमसी नहीं देने से खफा छात्राएं। नशे के खिलाफ टोहाना पुलिस की कार्रवाई तेज, हेरोइन के सप्लायर को दिल्ली से किया गिरफ्तार, 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया आरोपी।
ओलंपियन अवनीत कौर ने एसएसपी का पदभार संभाला। इससे पहले फाजिल्का में एसपी के तौर पर थी तैनात। एसएसपी ने नशे के खात्मे, अमन कानून बरकरार रखने की बताई अपनी प्राथमिकता। जालंधर में पुलिस टीम और आबकारी टीम की संयुक्त कार्रवाई। अवैध शराब के तस्करों को किया गिरफ्तार। बाहरी राज्यों से सस्ती शराब लेकर पंजाब में ऊंचे दाम पर सप्लाई करते थे आरोपी। अमृतसर के पब्लिक स्कूल में लगी आग। एसी के कंप्रेसर में धमाका होने से लगी आग। अफरा तफरी के बीच बच्चों को निकाला गया सुरक्षित बाहर। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। पटियाला डीसी दफ्तर के बाहर पहुंचे दिव्यांग। जिले भर से आए दिव्यांगों ने किया प्रदर्शन। पेंशन को बढ़ाने की उठाई मांग। मैनपुरी में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे अखिलेश यादव। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी रहेंगे मौजूद। मैनपुरी जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। यात्री के पास से 3 किलो से ज्यादा सोना किया बरामद। 1,67,00,000 रुपए बताई जा रही कीमत। मथुरा के एडीजी यातायात ज्योति नारायण ने अधिकारियों के साथ की बैठक। बैठक में यातायात को लेकर आ रही परेशानियों को एडीजी ने समझा। अधिकारियों ने बेहतर यातायात व्यवस्था को लेकर किया मंथन। बिजनौर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। यूपी के बिजनौर में आग का तांडव दिखा। किराना की दुकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग के लगने की वजह। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख। ऊना में कृषि विभाग और भारतीय किसान संघ की बैठक। बैठक में कृषि संबंधी योजनाओं पर की गई चर्चा। संगठन के विस्तार की भी बनाई गई योजना। महापौर संयुक्ता भाटिया का वार्डो में साफ व्यवस्था। लगातार औचक निरीक्षण जारी। निरीक्षण के दौरान जगह जगह मिले गंदगी और कूड़े के ढेर। महापौर ने एसएफआई को लगाई कड़ी फटकार। यूपी में अपराध नियंत्रण को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। कहा छोटी से छोटी घटना की बड़े स्तर पर हो रही है मॉनिटरिंग। लखनऊ में पीएफसी और लोहिया संस्थान के बीच एमओयू साइन। कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की शिरकत। ब्रजेश पाठक बोले मरीजों को अस्पतालों में मिले बेहतर इलाज। अस्पताल से इलाज कराकर लोग यहां से खुशी से वापस जाएं। एडीजी यातायात ज्योति नारायण पहुंची मथुरा। एडीजी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। बैठक में यातायात को लेकर हो रही दिक्कतों पर हुआ मंथन। नोएडा में स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों के लिए जारी की एडवाइजरी। छात्रों को बीमारी के लक्षण होने पर देनी होगी जानकारी। मेल के जरिए स्वास्थ्य विभाग को दे सकते हैं जानकारी। नोएडा में अब तक 23 छात्र हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। ग्रेटर नोएडा में कबाड़ के ढेर में लगी आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप किया धारण। सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को हो रही परेशानी। मेरठ में पुलिस और सर्विलेंस टीम को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मोबाइल टावर के महंगे उपकरण किए बरामद। यूपी की बिजनौर पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। सट्टे की खाई बाड़ी कर रहा हीरो। सट्टे में प्रयुक्त सामान और नकदी बरामद। औरैया में ट्रक से टकराई रोडवेज बस। हादसे में 6 से ज्यादा यात्री घायल। दिल्ली से हमीरपुर जा रही थी बस।
सहारनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने 10वीं के छात्र की गोली मारकर की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, हादसे में एक की मौत, दो घायल। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने केवल गरीब हटाओ का नारा दिया, बीजेपी ने लोगों तक पहुंचाई विकास की नीतियां। जैसलमेर में रजिस्ट्रेशन शिविर का समापन, पाक विस्थापित नागरिकों को दिए गए प्रमाण पत्र, विधायक और जिला कलेक्टर ने दिए प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र मिलने से लोगों में खुशी का माहौल। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। पाली में साधारण सभा की बैठक आयोजित, समिति प्रधान मोहिनी देवी और विधायक जोरा राम कुमावती ने की अध्यक्षता, पेयजल की समस्या पर की चर्चा। राजस्थान में बीते दो सप्ताह से लू और गर्मी की मार झेल रहे लोगों को मिली राहत, जोधपुर में छाए बादल, अचानक बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी से लोगों को मिला निजात। मनरेगा कार्ड होने के बावजूद नहीं मिल रहा काम, मजदूरों के बजाय जेसीबी और ट्रैक्टरों के जरिए करवाए जा रहे काम, सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी उड़ा रहे सरकार की योजनाओं की धज्जियां। बेरोजगारी भत्ते में इंटर्नशिप लागू करने पर विरोध, छात्र छात्राओं ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, छात्रों ने SGM को सौंपा ज्ञापन। लूनी में जलदाय विभाग के अधिकारियों ने की बैठक, विभाग की मुख्य पाइप लाइनों से पेयजल चोरी करने वाले टैंकरों के खिलाफ की चर्चा, प्रशासन जल्द ले सकता है एक्शन। जैसलमेर में रजिस्ट्रेशन शिविर का शुभारंभ, पाक विस्थापित नागरिकों को दिए जाएंगे प्रमाण पत्र, दस्तावेजों की जांच कर ऑनलाइन शुरू हुआ काम। पाली के देसुरी में फिर आग का तांडव, अरावली पर्वत माला में लगी आग, आग बुझाने में जुटा वन विभाग। भरतपुर में हुआ सड़क हादसा, दो बाइक की टक्कर में चार युवक घायल, सभी घायलों को भरतपुर किया गया रेफर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। ऊना के बंगाड़ा में जनरल जोरावर सिंह की 236वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित, कृषि मत्स्य पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने की शिरकत, कहा जोरावर सिंह का देश के इतिहास में अहम योगदान। नालागढ़ के झड़ीवाला गांव में विशाल हेल्थ चेकअप कैंप का समापन, तहसीलदार ऋषभ शर्मा ने की शिरकत, कैंप का एक महीने पहले हुआ था आयोजन। बीजेपी का जनसंपर्क अभियान जारी, बूथों पर जा रहे मंत्री सांसद और विधायक, सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाना भी मकसद, 30 अप्रैल तक चलेगा अभियान।
बिलासपुर में युद्ध स्मारक का लोकार्पण, राज्यपाल ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज, कहा हर जिले में बनाए जाने चाहिए स्मारक। धर्मशाला में खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का समापन, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने की शिरकत, मंत्री ने छात्रों को किया प्रोत्साहित। हिमाचल के किसानों को राहत, 15 अप्रैल से खुलेंगे 11 गेहूं खरीद केंद्र, 1300 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर कराया ऑनलाइन पंजीकरण। कांगड़ा में सम्मान समारोह का आयोजन, खंड विकास अधिकारी को किया गया सम्मानित, ग्रामीणों ने कहा कि अधिकारी ने क्षेत्र में किए कई विकास कार्य। हिमाचल सरकार की ओर से शुरू की गई हिम केयर योजना, मरीजों के लिए बनी वरदान, योजना के तहत गरीबों का हो रहा मुफ्त इलाज। लंबी खींचतान के बाद आखिरकार उत्तराखंड चारधाम यात्रा व्यवस्था समिति का हुआ गठन, 7 कंपनियों ने मिलकर रोटेशन व्यवस्था समिति का किया गठन, रोटेशन के अध्यक्ष बने संजय शास्त्री। आज हरिद्वार में बैसाखी सांझ, श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने रूट किया डाइवर्ट, केवल निर्धारित जगह पर होगी पार्किंग। पिथौरागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सहकारी बैंक घोटाले को लेकर किनारेबाजी, मौके पर विधायक, जिला अध्यक्ष त्रिलोक मेहर भी रहे मौजूद। पुंछ में नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन में प्रशासन, अभियान के तहत एक तस्कर को किया भारी मात्रा में नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार, आरोपी से पूछताछ जारी, कई बड़े खुलासे होने की संभावना। रूस यूक्रेन जंग का आज 50वां दिन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन की सैन्य मदद मंजूर की। आज शादी के बंधन में बनेंगे रणबीर आलिया, शादी की सभी तैयारियां हुई पूरी, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के घर में रौनक देखने को मिल रही है। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर सिंगर मिलिंद गाबा गर्लफ्रेंड प्रिया बेनीवाल संग की सगाई, मिलिंद लंबे समय से प्रिया बेनीवाल को कर रहे थे डेट, दोनों की सगाई में कई सेलेब्स आए नजर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर।